हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज एक और नई वीडियो और नई एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड का टाइम है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो आज भाई लेकर आया है डेनिस। अब डेनिस का माल मिला था, मतलब आज नहीं लाया, सॉरी, आज तुम्हारे लिए वीडियो में लाया है। उसी दिन लाया था, परसों जब मैं गया था, जब मैं लाइव भी हुआ था, आपने वीडियो देखी होंगी। और डेनिस का सामान मिला था मेरे को, डेनिस स्पेशल विस्की, जिसकी वैसे दिल्ली में जो कीमत है वो 90 रुपये के क्वार्टर आता है, लेकिन अभी इस समय 160 रुपये के आसपास ही मिल रही है मेरे ख्याल से, तो क्वार्टर के हिसाब से। तो ये अब इसकी वीडियो शुरू करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। नए हो तो भाई चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना है वीडियोस पे, प्लीज़ भाई सपोर्ट करना है। तो अब ये डेनिस की, अब ये क्वार्टर खोलते हैं और पहला पैक डालते हैं, जय भैरव बाबा की बोल के। हाँ तो दोस्तों, पहला पैक डाल लिया है भाई ने खोल के, तो अब इसको हम पीते हैं भाई, चेयर्स करते हैं। मैंने जय भैरव बाबा की कर दी है पहले ही, ठीक है। तो जय भैरव बाबा नाम फिर से लेके इसका टेस्ट करते हैं आज के। बहुत टाइम बाद शायद इसकी मैंने रिव्यू पहले कभी करा भी नहीं, तो आज इसका डेनिस का रिव्यू करते हैं। टेस्ट स्मेल तो हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। है हार्ड है, ठीक ठीक है भाई, अभी तो चल जाएगी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तुम्हें पता ही है, जो मिल जाए विस्की वो बढ़िया। लेकिन यह है कि टेस्ट जो है थोड़ा वनीली फ्लेवर वाला आ रहा है। ये ओसी ब्लू और इम्पीरियल ब्लू से थोड़ा सा अलग है, जो इसी रेंज में आती हैं ओसी ब्लू और इम्पीरियल ब्लू, तो उससे थोड़ा सा अलग ज़रूर है। अब कह नहीं सकते कि ये जो रॉकस्टॉर्म कंपनी की जो विस्की है, ये रॉकस्टॉर्म लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम जो है, मतलब ब्रांड नेम तो डेनिस है, कंपनी नेम जो है ये रॉक एंड स्टॉर्म डिस्टिलरीज पंजाब की है, संगरूर पंजाब की। ओके, इस पे जो लिखा हुआ है मैंने पढ़ा, आप ढंग से आप पढ़ सकते हो, देखो फोकस करता हूँ मैं। पंजाब की विस्की है ये, 90 रुपये इसकी एम आर पी यहाँ पर दिल्ली के अंदर वैसे, और अभी इस समय आपको पता ही है रेट बढ़ चुका है। तो टेस्ट अच्छा है, थोड़ा वनीला फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा हिट भी नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, मैं कहूँ ओके ओके टेस्ट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। तो ये पैक लगाते हैं, टेस्ट करके आपको बताता, टेस्ट मैंने बता ही दिया, अब इसका जरूर बताता हूँ, जरा इसे ख़त्म करते हैं। यार वीडियोस पे तुम लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते यार, तुम अब मेरे को इस वीडियो पे लाइक चाहिए भाई, सीधी बात है, लाइक चाहिए, दबा के तुम लोगों के वीडियो देखो, लाइक करो पहले, कमेंट करो, शेयर करो, तभी मज़ा आता है यार वीडियोस बनाने का। आप मोटो हमारे मेरा ख़राब करते जा रहे हो, और कुछ नहीं है, कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो। चलो कमेंट करके यही बता देना कि किस किस ने दारू ले ली, किस किस को मिल गई या कितने की मिली, कुछ भी इस तरह का कमेंट करके बताना, मुझे पता तो चले आपके शहर में आपको कौन सी दारू मिली, किस रेट पे मिली, यही नीचे कमेंट कर देना। थोड़ी सी नमकीन खाइए, एक सुट्टा जरा मैं बाहर पी के आता हूँ बालकनी में, उसके बाद आके आपको इसका आगे का अगले पैक का रिव्यू बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, थोड़ी देर हो गई, मतलब वैसे देर नहीं हुई, मेरे को देर हो गई, तुम्हारी वीडियो तो फटाक से शुरू हो गई होगी। ये मैंने दूसरा पैक भी डाल लिया, मैं भूल ही गया कि मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने दूसरा पैक इसमें से निकाल के डाल भी लिया, तो ध्यान ही नहीं रहा बातें हुआ तो मैं। तो पहला पैक जो था भाई वो मस्त सरूर तो दे गया, और इन कंपनियों के मालिक या कोई एम्प्लॉयज अगर वीडियोस देख रहे हो तो मेरे से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, जैसा कि आप जानते हो कि हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं हर ब्रांड की, और आपकी मर्जी, बाकी आप समझदार हो। तो अब इसका दूसरा हम इसको ट्राई मारते हैं। भाई सुरूर तो है, सुरूर में कोई कमी नहीं है डेनिस के अंदर, ये बात गारंटी। उसी तरह का ओसी ब्लू का, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी सरसराहट फरसराहट इधर उधर से आएगी, क्योंकि मैं घर में ही हूँ और आपको पता ही है बाहर कहीं जा नहीं सकता, कहीं छुप के वीडियो बना नहीं सकता, तो इस समय थोड़ी सी आवाज़ किचन में आ सकती है आपको, तो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लीड लगाइएगा वैसे तो कान में ज़्यादा बढ़िया। और मैं वैसे गाली गलौज तो करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, आप अपनी कभी भी कहीं पर भी वीडियो किसी के साथ भी देख सकते हैं। बच्चों को वीडियो ये बिल्कुल नहीं भेजिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करना ही होता है, आपको पता ही है, बाकी बच्चों को ये वीडियो ना भेजिएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना कीजिए, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, और ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली थोड़ी पीजिए, मस्ती में रहिए, वही बहुत है। और दिल्ली के अंदर जो शराब है, मैं आपको पहले बता दूँ, आसानी से तभी मिल पाएगी आपको कि अगर आप अपना ई टोकन बनवा लेंगे, क्योंकि ई टोकन से ही ढंग से मिल पा रही है, छोटी लाइन है ई टोकन वालों की और नॉर्मल वाली बहुत लंबी लाइनें हैं, तो ई टोकन आप ज़रूर बनवाइए। अगर चाहते हैं कि मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाऊं कि ई टोकन कैसे बनता है, क्योंकि मैंने बनाया है, मैंने तो
तीन चार बनाए थे टोकन, अपने दोस्तों के भी बनाए थे, तो वो मेरे को तरीका तो पता ही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तभी मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं। टेस्ट इसका अब आ रहा है, अच्छा अच्छा आ रहा है। सुरूर भी अब हल्का हल्का बन रहा है भाई, कोई ऐसी कमी नहीं है सुरूर के अंदर, बस मस्ती है, मस्ती है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मस्ती में इसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। अगर शुरुआती ड्रिंकर हैं तो उनको थोड़ी लग सकती है, या जो लाइट स्कॉच टाइप की विस्कीज पीते थे उनको थोड़ी हार्ड लग सकती है। बाकी जो हर तरह के ब्रांड को घुसा लेते हैं अंदर, उनके लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। सिगरेट है पाइन, आप जैसे कि देख सकते हो, तो वो मिलते हैं जरा ब्रेक के बाद। हैं, हाँ दोस्तों, दो पैक पूरे मार लिए थे, अब तीसरा मैंने डाल लिया है, क्योंकि इस समय भाई बहुत महंगी शराब है, थोड़ी थोड़ी पियो। एक क्वार्टर को भी मैं अभी दो इसमें से इतने सा बचा लिया है, चल जाएगा भाई, कल इससे काम चलाएंगे आराम से, धीरे धीरे चलाएंगे, थोड़ा बात को समझो, महंगी भी है, काम भी नहीं है, और कहाँ से आएगी फिर भाई। और तो इसका हम टेस्ट करते हैं और मज़े लेते हैं। और गाना भी आजकल चल रहा है ना, बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो इसका टेस्ट लेते हैं फिर से और आपको बताते हैं इसका सुरूर कैसा है, क्योंकि सुरूर तो मस्त अब तक आ चुका है। वैसे दो पैक में ही बढ़िया से बनाओ पैक, लाइट लाइट कुछ खाओ, सुरूर आएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद पी रही हो भाई, हिट मार सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आपको शुरू में मिले, बहुत दिनों बाद मिले, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ज़्यादा मत पी जाना वरना कांड हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े मत करना यार पीपा के, मेरी यही आपसे दरख्वास्त है, किसी से भी कहीं पे भी बाहर खड़े होके तो बिल्कुल मत पीना, कहीं और खड़े होके दोस्तों यारों के साथ भी अवॉइड करना पीना, घर में आराम से बैठ के पियो। दो भाई पीते हो तो वो बात अलग है, इकट्ठे बैठ के पी सकते हो, इस समय थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स करो यार, करना पड़ता है, समय ही ऐसा है। बाकी बताओ कोरोना कब तक जाएगा? नहीं जाएगा ये मुझे लग रहा है जल्दी। बाकी तुम्हारी क्या सोच है बताओ मेरे को कमेंट करके, ठीक है? शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करना भाई, और मैं हमेशा तुम्हें पता ही है अपना पेटीएम नंबर देता हूँ हर वीडियो के नीचे, ऑलमोस्ट देता हूँ, पहले बीच में देना बंद कर दिया था, मगर इस समय हालात तुम्हें पता ही है, तो मेरे को उस पर आप सपोर्ट कर सकते हो पेटीएम नंबर पे भी। बाकी शेयर लाइक सब्सक्राइब वो सबसे बड़ा सपोर्ट है, और जब कभी लाइव आया करूँ तो सुपर चैट कर लिया करो यार, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छी विस्की है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मिले, इसे अवॉइड मत कीजिएगा, इसे भागिएगा मत, अगर ये आपको मिल रही हो आपके एरिया में, कहीं आप छोड़ के भाग जाओ इसको कि नहीं अच्छी नहीं है ये तो हम नहीं ले रहे, और आपको मिल ना रही हो और, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओसी ब्लू या इंपीरियल ब्लू वगैरह पी चुके हैं तो आप इसे भी पी सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और लिमिट में पीजिएगा, बच्चों को वीडियो नहीं भेजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई लाइक ज़रूर बनता है, बनता है, बनता है, ठीक है? तो बाय, टेक केयर, सुरू पूरा पूरा आ रहा है, मेरे को भी इसको इन्जॉय करने दो, वरना वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा सुरू ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, चबा खैर, जो भी होता है भाई, सब कुछ, थैंक यू।